देश आज हमारे शहीद जवानों की शहादत को नमन कर रहा है। कठुआ हमला जिसमें हमने अपने 5 जवानों को खोया। शहीद जवान विनोद सिंह को देहरादून में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद विनोद सिंह कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। 33 साल की उम्र में विनोद सिंह की ये शहादत यहाँ देश के नाम सामने आई। साल 2011 ये वो साल रहा जब शहीद विनोद सिंह सेना में भर्ती हुए थे। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके देहरादून वाले घर पहुंचा, उनके नाम के नारे चारों तरफ लगने लगे। वहां मौजूद तमाम लोगों ने उनके नाम का जय घोष किया और इसके बाद उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। तो न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा देश गमगीन है, लेकिन पूरा देश ये भी जानता है कि इन्हीं जवानों की शहादत ने हर हिंदुस्तानी को महफूज रखा है। पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए, एक झलक देखने के लिए हर कोई उमड़ा हुआ था। सभी की आंखें नम थी, लेकिन जय घोष ने ये बता दिया कि किस तरह से देश का सीना गर्व से चौड़ा है हमारे वीर बांकुरों की वजह से। तो शहीद के परिवार की तस्वीरें जिस तरह से सामने आई उसने हर किसी के दिल को जख्मी कर दिया। परिवार के आंसू यहां पर थम नहीं रहे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इन्हीं वीर बांकरों की वजह से, वीर जवानों की वजह से, इनकी शहादत के चलते आज हर कोई सुरक्षित है और आतंकियों का खात्मा हम तेजी के साथ करते आए हैं और एक बार फिर से तेजी के साथ खात्मा हो रहा है। लेकिन जो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये गमगीन भी करती हैं, ये दिल को जख्मी भी करती हैं और साथ ही साथ बड़ा संदेश देती हैं कि हर कीमत पर हर आतंकी का खात्मा यहाँ पर करने के लिए हमारे जवान हमेशा से मुस्तैद रहे हैं। जान हथेली पर रखकर उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर तक किए हैं। कठुआ हमला आतंकियों की एक बार फिर वो कायराना हरकत के तौर पर सामने आया जिसकी साजिश यहां पर उनके जरिए दिखाई दी गई थी।